बताऊँ मैं क्या इसको अपनी इज्जत समझू या अपनी बेइज्जती समझू, दोनों में कंफ्यूज हूँ कि कुछ जुगाड़ तो आया, बाकी मानना पड़ेगा कुछ जुगाड़ को तो मानना पड़ेगा, अच्छे थे 3 जुगाड़, मुझे बहुत अच्छे लगे है ना। हेलो गाइस, इट्स वंशिका नंदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सीरियसली मैं उस वीडियो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तानी जुगाड़। और सीरियसली मैंने रौला पाव पे बहुत सारे पाकिस्तानी जुगाड़ देख रखे हैं और वो एक से बढ़कर एक कमाल होते हैं, और इसमें हमेशा ना एक तो क्रिएटिविटी दिखती है कि यार कि भाई इतने क्रिएटिव लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और दूसरा अगर बात करें हम कभी कभी ना बहुत वो फनी भी हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन में। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वीडियो को देखने के लिए यार, सच में मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी ऐसे ऐसे फनी फनी जुगाड़ लगाते हैं ना कि काम भी हो जाता लेकिन हंसी भी नहीं रुकती देख के। तो कुछ ऐसे ही हम चीज़ें देखने वाले हैं इस वीडियो में, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीऊंगा, लोगों की मर्जी से नहीं। दोस्तों जुगाड़ में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं, गोरे हैरान हैं कि जिस चीज को बनाने में हम लाखों खर्च कर देते हैं उसी काम को ये लोग बहुत सस्ते में कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुगाड़ों की, जिन्हें आप अक्सर लाइफ हैक भी कहते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि गोरे आखिर क्या कहते हैं पाकिस्तानियों के बारे में। But it's why I love the Jugaad mentality is because it makes everything possible and really Jugaad nothing is impossible in Pakistan. ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको गर्मी लग रही है तो कोई मसला नहीं, आप ट्रैक्टर की ट्राली में पानी भर के उसे स्विमिंग पूल बना सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है, इन भाई साहब को बैल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो इन्होंने बाइक पे ही जुगाड़ चला लिया। ये भाई साहब बड़े ही नफीस तरीके से इस बैल को बाइक पर बिठाकर बड़े ही कंफर्टेबल राइड कर रहे हैं। इस शहजादे ने इस बैल को पता नहीं कौन सी मुतमिन करने वाली गोली दी कि बैल बड़े ही मुतमिन तरीके से बैठा है। जरा सा हिलेगा बाइक गिर जाएगी। कमाल कर, क्या बात है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी जुगाड़ है, इतना खतरनाक जुगाड़। ये भाईजान सैम की मोटरसाइकिल पे बहुत बछड़ा जो की बहुत बड़ा है उसको लोड में आगे बिठा के लेके जा रहे हैं, और कितना अच्छा वो बैठा हुआ है। जहाँ कोरोना की वबा ने दुनिया को परेशान कर रखा था, लोगों का हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन जरा इस शहजादे को देखें, जिसने कोरोना की स्प्रे का अच्छा जुगाड़ लगाया। ये ऊंट की पूंछ से स्प्रे कर रहा है। सीरियसली मुझे ऐसे ऐसे हिलेगी वैसे वैसे हद होती है, क्या बात है। आप ये बखूबी जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन के काम में काफी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इसे भी बड़े सस्ते में निपटा देते हैं, जिसमें वक्त और पैसे दोनों की बचत हो जाती है। कमाल हो गई, कमाल। नो नो नो, क्या कर रही है यार, क्या बात है यार, ये मैंने देखा रियल में क्या। दोस्तों पाकिस्तानी सड़कों पर ज्यादातर आपको गड्ढे ही नजर आते हैं, जो रेडी वालों को काफी परेशान करते हैं, और बारिश के पानी को क्रॉस करने का ये तरीका शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखा हो। साथ खुद ही पलट गए, खुद के पाँव ना खराब हो। इजाद वो जिसे देखकर दुश्मन भी आपकी तारीफ करे, जरा इन पाकिस्तानियों को देखें जिन्होंने रिक्शे का जहाज बना दिया। अब ऐसे साइंटिस्ट आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे, इनका बस चले तो ये भैंसों को भी पर लगाकर उड़ा दें। ये नहीं देखा मैंने, ये तो मुझे फेक लग रहा है, सही बोलूं तो फेक है रिक्शे का जहाज बनाने वाला, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी शादियों में बहुत ज्यादा पैसा बहाया जाता है, कभी सिद्दीक के नाम पर वेल दी जाती है तो कभी शफीक के। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पैसे शादियों में उड़ाए जाते हैं उनको पकड़ा कैसे जाए। तो टेंशन की कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शादी के उड़ाए गए पैसों को लोग कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे
अब जो लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो जानते हैं कि खेतों में किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी भी होती है। लेकिन जरा इन भाई साहब को देखें, जिन्होंने इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को बड़े ही सस्ते अंदाज में निपटा दिया। ये मुझे अच्छा लगा। दोस्तों, तेजी से बढ़ते हुए वक्त में लोग जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन सबसे ऊपर है। लोग अपने यादगार मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि पाकिस्तान में लोग ड्रोन का इस्तेमाल देसी अंदाज में करेंगे। जरा इन भाई साहब को देखें, जो रेडी पर अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किस गली, किस नुक्कड़ और किस शहर से हमें देख रहे हैं? जरा कमेंट में बता दें। अब पाकिस्तानी लोग बाइक का इस्तेमाल किस वक्त, किस जगह पर कर सकते हैं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो बाइक जो हमारे दादा परदादा के दौर में भी पुराने थे और धुआं छोड़ रहे थे, वो आज 2021 में भी बड़े शान से चल रहे हैं। यमहा की तो नस्लें भी याद रखेंगी कि किस कौम के किन दूध वालों से पाला पड़ गया, जान छोड़ते ही नहीं। अब अगर आपके बाइक पर जगह न हो और बैग हो बहुत भारी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, देसी जुगाड़ कब काम आएगा। अब इन लोगों का बस चलता तो इस बैग पर बच्चे को भी बिठा लेते। दोस्तों, कहते हैं कि जिन लोगों में ताकत होती है उनमें अकल नहीं होती, और जिनमें अकल होती है उनके बाजुओं में ताकत नहीं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाई साहब किस तरह से इतनी हैवी बाइक को उठाकर एक पगडंडी पर चल रहे हैं, लेकिन मजाल है कि बैलेंस जरा भी बिगड़े। हम आम कामों में जेसीबी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हो कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं कि आप जेसीबी खरीद सकें, तो इसका हल भी पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इन लोगों ने ट्रैक्टर के साथ डंडा बांधकर जेसीबी का काम ले लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि अकल बाजारों में नहीं मिलती। ये मुझे अच्छा लगा। जुगाड़ है ना, जुगाड़। वाह, क्या बात है। एक से बढ़कर एक है, सही। सबसे पहले ना इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया कि मैं गुल से पूछूं कि भाई गुल, तुम बताओ तुम्हें ये जुगाड़ कैसे लगे है? यार मैं क्या बताऊं, मैं क्या इसको अपनी इज्जत समझूं या अपनी बेइज्जती समझूं, दोनों में कंफ्यूज हूं। कि कुछ जुगाड़ तो आया, बाकी मानना पड़ेगा। कुछ जुगाड़ को तो मानना पड़ेगा, अच्छे थे। तीन जुगाड़ मुझे बहुत अच्छे लगे है ना, जो उन्होंने उसको जेपीजे को उसकी जगह पे यूज़ कर रहे थे। लेकिन यार वो जो बाइक के ऊपर वो उसको बैल को रख के लेके जा रहे थे, वो जो बाइक के पीछे वो बैग को बांध के लेके जा रहे थे, इतना वो अकवर्ड लग रहा था कि देख के मुझे शर्म आ रही। यार क्या कर रहे हो आप लोग, हद होती है किसी न किसी चीज़ की। वो बाइक के पीछे वो जो दूध वाला है, वो तो है दूध बाइक के ऊपर, जो ग्वाले होते हैं हमारे यहाँ मिल्कमैन, वो तो बाइक्स पे दूध लेके आते हैं। वो तो इंडिया में भी शायद ऐसे होता होगा मुझे लगता है, तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार मुझे ना हंसी भी आ रही है और थोड़ा सी शर्म भी आ रही है क्या है। लेकिन वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सच है। लेकिन वो जो इसके अंदर रिक्शा था ना, उड़ने वाला रिक्शा, वो फेक है, वो ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में ऐसा, मुझे लगता है वो है। हाँ, तुम बताओ हमारी क्रिएटिविटी कैसे लगी पाकिस्तानियों की? मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगी, और सीरियसली कोई फ़नी भी लगी, और कोई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे वो एग्रीकल्चर वाली चीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब आपने इतने कम पैसों में इतना कुछ अच्छा बनाया, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी तरक्की है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जुगाड़ भी थे भाई, जो मतलब इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वैसे कि जो वो भैंसे को उसमें बाइक में बिठा लिया था वो, और वो मज़े की बात ये है कि वो भैंसा जो भी था, वो बछड़ा आई मीन, वो भी उस टाइम चुपचाप से बैठ गया था, उसने ना कुछ किया, पता नहीं वो कैसे बैठा हुआ था। और दूसरा मुझे वो भी बहुत फनी लगा कि जब इंसान लेटा तो वो पीछे से वो भैंस भी लेट गई, तो पता नहीं वो क्या था और उसने उसको कैसे समझाया था क्या, तो भी मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा।
और रही बात वो ट्रैक्टर वाला जहाँ पे आपको गर्मी लगी तो पानी भर दो, वो मुझे सबसे ज्यादा कमाल का लगा। तो सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और अगर मेरे से पूछो मेरा फेवरेट जुगाड़ कौन सा था तो ऑब्वियसली वो भैंसे वाला ही होगा। लेकिन अगर वो बाइक बात करें वो बाइक वाली ऑटो वाली, तो वो मुझे फेक लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ऑब्वियसली उसमें आता है टिकटॉक वगैरह चीजों में आता। तो आप इस बारे में क्या समझते हो, प्लीज कमेंट। हाँ, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत ख्याल के घर में दें, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।